क्या हुआ गजब, क्या कहा डॉक्टर से? मुबारक हो, तुम्हारे बाप को एंजाइना का अटैक आया सिर्फ तुम्हारी वजह से। एंजाइना का अटैक? एक बात मेरी कान खोल के सुनो, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। अच्छा बस मजाक करते, ऐसी फजूल बातें करने का वक्त नहीं है। गजन आपको अंदाजा नहीं है, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, इतनी बदतमीजी की है इसने। असल तुमने अपनी माँ को बताया? तो बता दो, जश्न मनाए, बड़ा शौक था खपा हो के जाने का ना। अब आप ज्यादा कर रहे हैं चाचा। आगा जान, इन खवातीन के टोले को यहाँ से भिजवाएं वरना मुझे अटैक आ जाएगा। आगा जी, अब कैसी तबीयत है जमी जी की? पता इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, रास्ते में रिक्शा भी खराब हो गया था। नहीं बेटा, वो जमशेद की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर अभी मिलने नहीं दे रहे किसी को, इसलिए यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। तुम जलाल के साथ वापस चली जाओ। हाँ? और जलाल तुम इधर आओ, बात करो। मेरी अपनी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं यहीं पे आके बैठूंगा, किसी को बैठने नहीं देना, मैं आ रहा हूं। जिया, कैसी तबीयत है जमी जी की? एक बात मेरी कान खोल के सुनो, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। देखो, मुझे पता है कि पापा को इस तरह की बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए थी, मैं समझती हूँ। अच्छा सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, जल्दी से। जल्दी से प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। इस शाहजहान का तो बस नहीं चलता कि हम सबको उठा के बाहर फेंकते अस्पताल से। क्यों, क्या हुआ है बीजा? तुम अरसल के साथ घर जाओ और मासूमा और नईमा को मना कर दो यहाँ आने से। डॉक्टर बुरा मना रहे हैं, पर सबसे ज्यादा तो वो शाहजहान चौधरी बना फिर रहा है। जी भी जान। अगर तुम मुनासिब समझो तो अपनी माँ को भी बता दो। ये ना हो कि बाद में कहती फिरे कि मेरा शौहर बीमार था, खानदान में किसी ने मुनासिब ही नहीं समझा कि मुझे भी बताया जाए। जी भी जान। जी भी जान।